हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोटूल टायर रिपेयर के बारे में। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ख़रीद तो लेते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये मोटूल का टायर रिपेयर है, तो ये आपको 400 से फिर 500 की रेंज में मिल जाएगा। जितने भी SUV हैं, सारी गाड़ियाँ हैं, उसमें आप ये ज़रूर लगाएं। ये कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आपका सपोज़ एक टायर है, ओके फ्रेंड्स, ये टायर्स है। तो इसका मैं एक एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं टायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना टायर है, बट ये इसकी ये यहाँ पर लेना है मोट्यूल का अपना जो स्प्रे है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे इसके साथ, ओके। तो हम जैसे इसके साथ लगाएंगे टायर की ये स्प्रे को, तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड फॉर्म बना के ऐसे और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। जब हम इसको ऊपर से दबाएंगे, तो यहाँ से दबाने पर, यहाँ से हम दबाएंगे तो हमारा जो टायर है, इस एक मिनट मैं दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ दोस्तों। जी देखो, दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा टायर है, ओके फर्स्ट, ये हमारा टायर है यहाँ पर, और यहाँ से हम एयर भरते हैं। तो एयर वाली जगह पे ऐसे रखना है, और टायर की जो डायरेक्शन है ना, टायर की डायरेक्शन इस ऊपर, जो नॉब ऊपर होनी चाहिए जब हम इसको फिल करते हैं। ऐसे फॉर्म दोनों सेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसे और ऐसे, तो पूरे टायर में ये फैल जाएगा और एक जैसे झाग की तरह बना देगा पूरा फॉर्म। और आप सोचो, आपका जो टायर है, यदि उसमें एयर नहीं है तो वो फूलने लगेगा। पहले तो हवा निकाल देनी है टायर की, उसके बाद टायर को स्टेज में लाकर उसको ऐसे टॉप नॉब करके उसको फिल कर लेना है, इसको हिलाकर। तो ये सारा स्प्रे खाली हो जाएगा और इसमें फॉर्मिंग हो जाएगी, और आपका टायर अपने आप ही हवा भर जाएगी उसमें। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया, आप ये कार में भी कर सकते हैं और मोटरसाइकिल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्म बन जाएगी, फॉर्म बनते सर आपका जो टायर है फूल जाएगा। तो बस दोस्तों, आपका टायर जो नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा ऐसे करके, रनिंग स्टेज में, और बढ़िया काम करेगा। बट आप सोचो कि आपका टायर रिपेयर हो गया है बहुत क्विकली, वो नहीं हुआ है, उसको 8 से 10 दिन क्योरिंग में लगते हैं। आप इसको यूज़, आपको कोई इफेक्ट, सर्टेन इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, बट आपका टायर उस वक्त टूट जाएगा। आप कहीं भी ड्राइव करते हैं, आपका टायर अंदर से रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर उस पर एक लेयर बन जाएगी, जो छोटे मोटी एयर की जो गैप्स हैं वो भर जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये है कि टायर को अंदर से रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास SUV है या नॉर्मल कार है या मोटरसाइकिल है, लॉन्ग रूट के लिए आप जा रहे हो, तो आप एक ही रख लीजिए, दैट इज़ बेटर फॉर योर योर कार टायर। तो आपको लगाने का तरीका तो पता चल गया कि है इसको कैसे लगाते हैं। ये टायर है, इसकी नॉब कैसे लगाते हैं, ये नॉब है इसकी, ये नॉब है, ये नॉब है, ठीक है, नॉब है, ओके दोस्तों। तो मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूँ छोटा सा आपको, ताकि आपको और क्लियर हो सके। ये हमारा टायर है, तो इसमें जो एयर नोव है, यहाँ से इसके साथ लगा देनी है, ठीक है। तो वो आपको, लेकिन लगाने से पहले एयर एम्प्टी होनी चाहिए टायर के अंदर, यदि एम्प्टी नहीं है तो उसे, उसकी एयर वाली नोव खोल के उसे निकाल लीजिए। तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आफ्टर 8-10 डेज, आपका टायर अच्छा काम करेगा, नो नो प्रॉब्लम। यदि आपका टायर घिस गया तो आप नया वाला ले लीजिए, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। यदि आपका टायर ज़्यादा घिस गया तो आपको ये चीज़ बेकार है आपके लिए, बट थोड़ी मोटी एयर जो वेंट हैं जो, वो भर जाएंगे अंदर से। दैट इज़ ओनली फॉर रिपेयर पर्पज़, दैट इज़ ओनली फॉर रिपेयर पर्पज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे आपको समझाने के लिए। और जरूरी नहीं है हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सब्सक्राइब करने के लिए आज की डेट में नहीं बोल रहे हैं। इसमें बहुत कम ही लोग जुड़ पाएंगे हमारे चैनल में, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, वही लोग जुड़ पाएंगे जो ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं, वो अपने पैसे वेस्ट करते रहते हैं, बट वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जानना नहीं चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।